एपिसोड 665, मिसिंग अनाया। तारा की नजर जैसे ही प्लेट पर गई, उसमें उसे मांस के टुकड़े खून से सने हुए नजर आए। ये देखते ही तारा को उल्टी सी आने लगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद किया और बोली, नहीं तारा, ये तेरा वहम है, शांत रह। इतना कहने के बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो वाकई में सामने खाना रखा हुआ था। ये देखकर उसकी जान में जान आई और वो अपने आप से बोली, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो जाती हूँ? सिचुएशन तो बदल नहीं सकती ना, मुझे अपने आप को ही शांत रखना पड़ेगा। इससे पहले कि तारा खाना शुरू करती, विक्की कमरे में आता हुआ बोला, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया और यहाँ मैं तुम्हारे चक्कर में जल्दी जल्दी खाकर आ गया हूँ। तारा ने कहा, तुम भी ना, इतनी जल्दी तुमने खाना कैसे खाया होगा? आधा अधूरा, मैंने तुमसे कहा था ना मैं खा लूंगी। विक्की बोला, अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। इतना कहकर विक्की प्यार से तारा के पास बैठ गया और खाने की प्लेट अपने हाथ में लेकर तारा को खिलाने लगा। तारा ने कहा, तुम भी खाओ ना। विक्की बोला, मैंने गले तक भर कर खा लिया, अगर मैंने एक निवाला और खाया ना तो मैं फट जाऊंगा बूम करके। विक्की की बात पर तारा बस मुस्कुरा कर रह गई। विक्की बोला, ये क्या, मैंने ऐसा घटिया जोक मारा और तुम बस मुस्कुरा रही हो? तारा ने कहा, घटिया जोक मारा ना, इसीलिए तो मुस्कुरा रही हो। विक्की बोला, देखो तो लोगों को टैलेंट की तो कदर ही नहीं है और ना ही फीलिंग्स की। विक्की अपने फ्लो में बोलता जा रहा था और तारा एकटक उसे देख रही थी। तभी अचानक विक्की की नजर तारा के चेहरे पर गई और वो घबरा कर बोला, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आई एम सो सॉरी, मैं अभी ना बोलते हुए पता ही नहीं चलता क्या बोल जाता हूँ। वैसे तुम्हें कौन सी बात का बुरा लगा? मैं उसके लिए पेश तुमसे माफी मांगता हूँ। तारा ने विक्की का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा है विक्की, और ना ही तुमने कुछ गलत बोला है। विक्की घबरा कर बोला, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? तारा बोली, नहीं विक्की, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की ने खाने की प्लेट को वापस टेबल पर रखा और तारा के गाल पर आए आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? तुम जानती हो ना, जब भी मैं तुम्हें इस तरह दुखी देखता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। तारा ने कहा, मैं तो बस ये सोच रही थी कि जो कुछ भी अभी मेरे साथ हो रहा है, ऐसे में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। तारा इतना बोली ही थी कि विक्की ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और बोला, खबरदार जो दोबारा ऐसा कुछ बोला तो। मैं मानता हूँ कि ध्रुव की तरह मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये पक्की बात है, और जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने से पहले मेरा सामना करना होगा। तारा और विक्की काफी देर तक यूं ही एक दूसरे से गले लगे हुए बैठे रहे। कुछ देर बाद अचानक ऋतु की आवाज आई, चलो छलावा, तुम क्या खड़े होकर देख रहे हो? एक तो हम गलत वक्त पर आ गए और ऊपर से तुम उन्हें इस तरह देख रहे हो बेशर्मों की तरह, शर्म नहीं आती तुम्हें? अचानक से सुनकर तारा और विक्की दोनों हड़बड़ा गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो दरवाजे पर छलावा और ऋतु खड़े थे। ऋतु ने अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक रखा था और छलावा आंखें फाड़े अभी भी इन दोनों को देख रहा था। जैसे ही विक्की की नजर छलावा पर गई, छलावा तुरंत पीछे पलट गया और बोला, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। इस पर विक्की झूठी नाराजगी के साथ बोला, यहाँ पर कोई शो चल भी नहीं रहा था जो नहीं देखा, और उसका अफसोस हो रहा है तुझे। ऋतु ने कहा, तो क्या अब हम अपनी आंखों पर से हाथ हटा सकते हैं? विक्की ने कहा, हम में कितने लोग हैं? आंखों के आगे सिर्फ तूने हाथ रख रखा है, ये छलावा तो मस्त शो एंजॉय कर रहा था। ऋतु ने अपनी आंखों से हाथ हटाया और शरारती अंदाज में बोली, वैसे अगर तुम लोगों का ऐसा कोई सीन था तो दरवाजा बंद करना चाहिए था ना, ये तो शुक्र मनाओ कि हम लोग शरीफ हैं, वरना आजकल वीडियो वायरल होने का जमाना है। अगर मैं चाहती तो तुरंत तुम लोगों का वीडियो बनाकर वायरल कर सकती थी। विक्की भागता हुआ ऋतु के करीब आया और उसके कान पकड़ कर बोला, रुक, अब मैं तेरा वीडियो वायरल करता हूँ, एक बुरी सी बहन को भाई ने पीटा, तारा तुम जरा वीडियो बनाओ। ऋतु बोली, ओके बाबा, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। विक्की ने ऋतु का कान छोड़ दिया। तब ऋतु बोली, तुमने मेरे कान बहुत जोर से खींचे हैं, तुम्हारी तरह मैं काली कलूटी तो हूँ नहीं, देखो तो मेरे गोरे गोरे कान लाल हो गए। विक्की बोला, तो फिर बोल इस बार दूसरे कान को लाल नहीं, दूसरे कान को सीधा काला करूंगा। ऋतु ने कहा, क्या तुम भी मजाक नहीं समझते हो, अच्छा मैं क्या पूछने आई थी? हाँ तारा, तुम ठीक तो हो ना? तारा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ऋतु धीरे से तारा के कान के पास जाकर बोली, वैसे अभी यहाँ क्या चल रहा था? तारा सीरियस होकर बोली, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तारा को इतना सीरियस देख ऋतु ने पूछा, क्या हुआ? विक्की बोला,
तारा को डर लग रहा है कि विकी इतना बोला ही था कि रितु ने कहा, मैं समझ सकती हूँ लेकिन तुम परेशान मत हो, चीजें बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना जब तुम्हारे दोस्त साथ में रहते हैं तो तुम लोग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो, तो यहाँ तो तुम लोग अपने घर में हो, ये मुश्किलें अनजान भी नहीं है, अब तो सब कुछ सामने है, अब क्या मुश्किल है। ये सुनकर विकी ने कहा, देखा तारा, ये बात रितु की भी समझ में आ गई और तुम हो कि नहीं समझ रही हो, अब चलो मुस्कुराओ। तारा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। रितु ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी बड़े भाई, ये क्या था, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या मतलब निकालूं, क्या इसे मैं अपनी इंसल्ट समझूं। विकी बोला, हाँ क्यों नहीं, मेरी कोशिश भी कुछ वैसी थी। इस पर रितु ने कहा, हाँ तो ठीक है, क्योंकि ऐसे सीरियस मौके पर मुझे मजाक पसंद है भी नहीं। जैसे ही रितु ने ये कहा, तारा जोर से उठकर हंस पड़ी और हंसती हुई बोली, विकी सच में ये तुम्हारी बहन है, इसकी हरकतें तो बताती हैं ये जुल्मी की बहन है। उन लोगों को इस तरह हंसी मजाक करता देख छलावा अपने मन में बोला, अच्छा लग रहा है कि ये लोग खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को सामान्य तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ध्रुव की चिंता हो रही है, वो वहां अकेला है और मैं चाहकर भी किसी को बता नहीं सकता, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको अकेले छोड़ने का भी दिल नहीं कर रहा है, क्या पता हवेली में कैसी स्थिति होगी। नहीं नहीं मुझे ध्रुव के पास जाना होगा, लेकिन कैसे जाऊं और क्या बोलकर जाऊं। छलावा धीरे से पीछे पलटा, वो चुपचाप वहां से निकलना चाह रहा था लेकिन तारा की नजर उस पर पड़ गई। तारा एकदम से बोली, अरे छलावा तुम कहाँ जा रहे हो, यही रहो ना हमारे साथ, वैसे भी किसी को नींद नहीं आ रही है, सब लोग साथ में रहेंगे तो कम से कम बेमतलब की टेंशन तो नहीं होगी। छलावा ने धीरे से कहा, वो मैं सोच रहा था कि एक बार अनन्या को देख कर आता हूँ, अभी ज्यादा रात भी नहीं हुई है, अभी जाऊंगा तो समय से वापस आ जाऊंगा, तुम लोगों को तो पता ही है वो मेरे घर पर है और वहाँ आसपास किसी और का घर तो नहीं है, तो बेहतर है कि ऐसे में एक बार मैं उसे देखाऊं कि वहाँ सब ठीक तो है, फिर सुकून से हम सब सो पाएंगे। विकी बोला, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। छलावा तुरंत बोला, अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। छलावा ने एकदम से ऐसे रिएक्ट किया कि विकी हैरानी से बोला, अरे क्या हो गया, मैं तो तेरी मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। छलावा ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि यहाँ पर तारा के साथ अगर तुम रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा, और मैं तो बस अपने घर तक ही जा रहा हूँ, तुरंत जाकर तुरंत आ जाऊंगा, इसके लिए तुम्हें साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ ध्रुव भी नहीं है, तो ऐसे में तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना जरूरी है। रितु ने भी छलावा की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, वैसे ये कह तो सही रहा है। विकी ने कहा, चल ठीक है तू जा, लेकिन जल्दी लौट आना और अनन्या को पूछ लेना कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और अगर कोई दिक्कत लगे तो उसे बोलना कि जुल्मी के यहाँ चली जाए, क्योंकि बिना ध्रुव के परमिशन के तो हम उसे वापस लेकर भी नहीं आ सकते। छलावा ने कहा, हाँ तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाकर जल्दी लौट आता हूँ। इतना कहकर छलावा बड़े बड़े कदमों से वहां से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली और मन में बोला, हाँ बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, डर भी लग रहा था कि अगर उन लोगों को भनक लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, जाहिर सी बात है अगर उन्हें पता चलता कि ध्रुव हवेली गया तो वो सब एक टांग पर खड़े हो जाते मेरे साथ चलने के लिए। छलावा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा, वो निकला तो था हवेली जाने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसने कहा, एक बार अनन्या को भी देख लेता हूँ, क्या पता सुमेर आया हो उससे मिलने के लिए और आगे कुछ बात हुई हो। इतना सोचते हुए छलावा अपने घर के लिए मुड़ गया, लेकिन जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था और भीतर अनन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। ये देखकर छलावा घबरा गया, वो इधर उधर जाकर अनन्या को आवाज लगाने लगा, लेकिन अनन्या के वहां मौजूद होने का कोई एहसास तक नहीं था। छलावा अपने सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, अब ये कहाँ चली गई। तभी उसकी नजर खुले हुए दरवाजे पर पड़ी और वो उसे गौर से देखता हुआ बोला, अगर वो कहीं गई होती तो दरवाजा बंद करके जाती, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब वो अपने मन से यहीं कहीं गई होगी तभी दरवाजा खुला है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं दिख रही। छलावा तुरंत घर के भीतर गया और लालटेन जलाकर बाहर लेकर आया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ तो पता चले। अपनी धुन में चलता हुआ छलावा मैदानी हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ पर वो बांस की दीवार बनी हुई थी। वहां तक पहुंचकर छलावा रुक गया और बोला, अनन्या इस दीवार के उस पार तो नहीं जा सकती और वो यहाँ तक भी नहीं है, फिर आखिर वो गई कहाँ।
तभी उसकी नजर बांस के हिस्से पर गई जहाँ कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। छलावा ने तुरंत उस टुकड़े को निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक वो हैरानी से बोला, अरे ये तो अनन्या के कपड़े का टुकड़ा लग रहा है। हाँ ये उसी के कपड़े का टुकड़ा है, मैं धोखा नहीं खा सकता, लेकिन अनन्या के कपड़े का टुकड़ा इस बांस में कैसे फंस सकता है? वो यहाँ क्या करने आई होगी, और अगर वो यहाँ आई थी तो इसका मतलब? इतना सोचते हुए छलावा बड़ी बड़ी आंखों से उस कुएं की तरफ देखने लगा। रुको यार, स्टोरी तो सुन लिया, सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।